सब्सक्राइब करें मेरे चैनल DTH न्यूज अब तक को और मेरे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो मित्रों, आज मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपके पास DTH है और कभी कभी क्या होता है कि DTH का वायर जो है तो छोटा पड़ जाता है और डिश जो है तो बहुत दूर लगा होता है और हमको जो है तो जॉइंट करना पड़ता है। तो मित्रों, हमको जॉइंट जो है तो हम ये देख लीजिए, ये मेरे पास एक वायर है और आपको दिखा देता हूँ। मित्रों, ये जो वायर है आप देख सकते हैं, एक सिरा जो है ये जो है तो एक सिरा ये हो गया और मान लीजिए एक सिरा ये हो गया। मित्रों, तो हमको ये दोनों को कैसे कनेक्ट करें, कैसे जोड़ें कि हमारे सिग्नल पर किसी प्रकार का भी अंतर नहीं आना चाहिए। जैसे यदि सिग्नल क्वालिटी जहाँ 60 आना है तो वहाँ यदि हम ऐसे जोड़ लगा देते हैं, अधिकतर लोग क्या करते हैं कि ऐसे जोड़ लगा देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि सिग्नल जो है लॉस करता है, बहुत ज़्यादा लॉस करता है। यदि जहाँ 60% सिग्नल बताना चाहिए तो वहाँ 30% या 40% ही सिग्नल बताता है। तो मित्रों, हमको कैसे ये तार जो है तो हमको जॉइंट कैसे करना है डिस्क के वायर को कि हमारे DTH का वायर जो है तो सिग्नल हमारा बिल्कुल भी लॉस ना करे। तो मित्रों, मैं आपको एकदम आसान तरीका बताता हूँ, तो आप मेरे वीडियो को जो है तो पूरा देखें। मित्रों, हाँ तो मित्रों आप देख सकते हैं ये जो है वायर जो है तुमको करना क्या है, तो आप बिल्कुल देख लीजिए। सबसे पहले हमको ये आप देख सकते हैं ये पॉलीथीन एक लगा होता परत होता है, तो इस ये याद रखिएगा ये जो जाली वाला वायर है और ये पॉलीथीन पन्नी जो है ये दोनों न्यूट्रल ही कहलाता है। ये जो है किसी प्रकार से जो है तो ये बीच वाले वायर में जो तांबे का वायर दिख रहा होगा ये फेस वायर, इसमें टच नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको जो है कटर या चाकू की सहायता से जो है तो छीन लेते हैं। मित्रों, तो ये देख लीजिएगा इसी तरीके से हमको जो है तो ये दूसरा वायर भी जो है तो बिल्कुल आसानी से कटर या कुछ भी आपका ब्लेड वगैरह को बहुत ही आसानी से हमको मित्रों छीन लेना है। और करना क्या है, ध्यान रखिएगा ये इस तरीके से हमको ये भी, और याद रखिएगा ये जो पॉलीथीन है ये इसमें भी जो है तो न्यूट्रल होता है, जैसे जाली है तो ये पॉलीथीन भी इसमें टच नहीं होना चाहिए। अब इसे ध्यान आपको रखना है, तो इसको जो है तो मैं आसानी से मित्रों आप देख सकते हैं इसको जो है तो ये अलग कर देता हूँ ताकि ये टच बिल्कुल भी ना हो ये पॉलीथीन इस वायर से, बीच वाले मेन वायर से। अब मित्रों को जॉइंट कैसे करना है तो आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले हमको ये देख लीजिए, एकदम सरल तरीका बताता हूँ आपको, ये इस तरह से आपको ये वायर को मोड़ देना है। ध्यान से देखिए मित्रों, ये वायर जो है हमको आसानी से ये मोड़ देना है, और आपके पास प्लास वगैरह है तो थोड़ा दबा दीजिए, नहीं तो बस कुछ नहीं करना है आपको। और सिंपल से मित्रों आपको जो है तो ये टेप लेना पड़ेगा, और चलिए मैं आपको बता देता हूँ तो टेप से करना क्या है। तो मित्रों, यदि आप मेरे नए चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस जरूर कर दें और साथ साथ शेयर और लाइक भी जरूर करें। मित्रों, तो मित्रों आप देख सकते हैं ये टेपिंग आपको क्या करना है, ये देख लीजिएगा ये बीच वाला फेस वायर जो लगा के उनको टेप कर देना है। और इसके बाद जो है मित्रों ये ऊपर से जो न्यूट्रल वाला वायर है आप ध्यान से देखिए, ये हमको जो है इस तरह से भी इसको लगा देना है। और इसके बाद मित्रों ये हमको इसको भी बड़ी बका दीजिए टेपिंग कर देना है। इससे क्या होगा कि आपका सिग्नल जो है जितना सिग्नल आपको चाहिए आपका सिग्नल बिल्कुल भी लॉस नहीं करेगा और देखने पर भी बहुत अच्छा लगेगा। तो मित्रों, आपका वीडियो मुझको कैसा लगा आप कमेंट और लाइक करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, तो धन्यवाद मित्रों।